तो भाई हम जा रहे हैं यहाँ पे एक लोकल रिक्शा में जो कि गोल्फ कार्ट की तरह है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये सबसे बेस्ट यहाँ का तरीका है। और बहुत फन है भाई, ये पीछे दोस्त हैं हमारे सारे गेस्ट हाउस वाले, ठीक है, ये फ्रेंड्स से हैं, और ये भाई अपने अल्जीरियन हैं, ये एक्चुअली मिक्स है उस बे की अफगानी, अभी बेल्जियम में रहते हैं एवरीथिंग। तो भाई अभी अपन नई जगह पे जा रहे हैं, सुलेमानी म्यूजियम समथिंग, नाम तो नहीं मुझे पता, बट अच्छी जगह है, ट्रिप एडवाइजर पे दूसरे नंबर पे है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं अभी क्या सीन है, अच्छा होगा। और इसमें बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, क्योंकि गर्मी बहुत है और इससे आराम से क्रूज़ करते जाओ। अभी मैं आपको बैक की वीडियो दिखाऊँगा। तो हम गोल्फ कार से उतर गए हैं और हम पहुंच गए हैं इस छोटी सी म्यूजियम व्हाटएवर के पास। ये खास मजाक उड़ा रहे हैं मेरे, आई एम लाइक दे मेकिंग फन ऑफ मी। तो भाई अच्छा यार, ये तो बहुत पुराना है, इस पे बहुत बढ़िया कारीगरी की हुई है। ओए होए, अगर आप पास जाएंगे ना तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है भाई। रुकिए, आपको बैक कैमरा करके ये देखो, ये काफी पुराना बना हुआ है, अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा डैमेज हुआ हुआ है ये, ये वॉल पे देखिए, मिट्टी से ही ये बना हुआ है, सीमेंट नहीं है यहाँ पे, बहुत पुरानी ब्रिक्स हैं भाई, ये बहुत ज़बरदस्त है भाई, सही है। देखते हैं अंदर जा सकते हैं इसके कि नहीं। ओके भाई, तो अंदर जाने के तो 10,000 सॉम थे, मेरे ग्रुप में से कोई नहीं गया तो मैं भी जाके क्या करता, वैसे भी छोटी सी बिल्डिंग है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो जैसा बाहर का डिज़ाइन है वैसे अंदर भी है थोड़ा सा, इतना कुछ स्पेक्टेकुलर नहीं लग रहा था तो हमने पे नहीं किया, हम यहीं से बाहर आ गए। अभी नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे जाना है, कोई बड़ी सी या तो मॉन्यूमेंट ढूंढते हैं, कुछ ऐसा कुछ बढ़िया हो तो ठीक है। बट अच्छा यार, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, इस पर विंडोज़ ऐसी बनाई होती है ताकि एयर फ्लो चलता रहे, क्योंकि ये बहुत गर्म कंट्रीज़ हैं भाई, और सूखी भी हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी वानी तो है नहीं, कोई बीचेज़ नहीं है, कुछ ऐसी ज़्यादा रिवर बॉडीज नहीं हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो, ये भाई सारा एयर के लिए बनाया हुआ है, ये दूसरी साइड भी बनाया हुआ है, उधर भी बनाया हुआ है, ताकि सारा एयर फ्लो चलता रहे और बिल्डिंग ज़्यादा बहुत गर्म ना हो। तो ठीक है, अभी हम थोड़ी देर बैठते हैं, चिल मारते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। One hour later. Many hours later. Okay, भाई हम वापस हॉस्टल चले गए थे थोड़ा सा सोने के लिए, धूप बहुत बढ़ गई थी। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं एक जगह पे आया हूँ, इसका नाम है समर पैलेस, तो अच्छी जगह लग रही है, मेरे फ्रेंड्स भी पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने रिकमेंड किया था। इसका एंट्रेंस प्राइस है 40,000 सॉम, वो हम पे कर चुके हैं, अभी अपन अंदर जाएंगे, देखते हैं पैलेस कैसा है। और भाई इसके दरवाजे भी बहुत मजेस्टिक हैं, ये देखो क्या बात है भाई, बहुत ही ऊँचे और मजेस्टिक दरवाजे हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त। तो भाई अभी यहाँ पे चल रहे हैं और आगे मोर घूम रहा है, दो मोर घूम रहे हैं भाई, मोरों की जोड़ी, क्या बात है भाई, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मोर हैं भाई। तो ये रहा भाई पैलेस, और अभी अंदर जाना है हमने, अभी तो हम वैसे बाहर थोड़ा सा घूम रहे हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ सुवनियर शॉप्स हैं, ये पता नहीं क्या बनाया है उन्होंने, सही है, ट्रेडिशनल ड्रेस में, अरे भाई ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस। और भी सुवनीर्स पड़े हैं भाई इधर, भाई ये टोपियां पड़ी हैं बड़ी बड़ी, अगर गर्मी ना होती तो मैं डेफिनेटली डाल के देखता। और सही है भाई, और भी यहाँ पे शॉप्स हैं बट अभी बंद हैं,
तो ज़्यादा वो नहीं है तो भाई अभी अंदर जाके देखते हैं। Look at the walls. अरे भाई दीवारें देखो यार कितनी खूबसूरत हैं। ओए होए मज़ेदार यार भाई उज़्बेकिस्तान में तो आर्किटेक्चर देख के ना मैं मतलब जो ये डिज़ाइंस वगैरह हैं भाई ये पैलेस होता था पुराना किसी राजा का महल है तो कितना बढ़िया फील होता होगा यार शाम को यहाँ पे घूमते घूमते होंगे वो आराम से बाहर सेना वेना खड़ी है ये क्या चीज़ है कोई पुराना ये फाउंटेन है या फिर कोई स्विमिंग पूल तो नहीं फाउंटेन ही है भाई एक लगा हुआ है यहाँ पे तो अभी तो कुछ नहीं है ये बहुत खूबसूरत है भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है चलिए और देखते हैं क्या है यहाँ दरवाज़ा है छोटा सा दरवाज़ा है ये थोड़े से पुराने हैं भाई दरवाजे एक और मोर घूम रहा है भाई यहाँ पे ये बड़ा है काफ़ी पुराने वाला तो छोटा था ना ओह आई मिस दैट भाई मंदिर घुस गया और ये क्या बात है भाई सो ब्यूटीफुल तो भाई ये जो यहाँ पे राजे वगैरह थे ये उनकी आई थिंक पोशाकें वगैरह ऐसी पोशाकें डालते थे वो यहाँ पे एक तरह का म्यूजियम बनाया हुआ व्हाट काइंड ऑफ शूज आर दोस भाई इन नीचे से हील बनी हुई है दोनों तरफ से हील बनी हुई है महारानी के होंगे लकड़ी के बने हुए शूज हैं भाई ये खूबसूरत है यार अरे भाई बहुत खूबसूरत मतलब छत बनाने में तो इतना टाइम लगा देते होंगे भाई क्या बात है बहुत ही ज़बरदस्त यार मज़ा ही आ गया अरे बाप रे बिल्डिंग लाइक दैट या तो भाई पैलेस तो वी आर नॉट सपोज टू वॉक फ्रॉम हियर बेसिकली बिकॉज़ देयर इज नो मोर या तो भाई पैलेस तो है ठीक ठाक अभी और भी देखना थोड़ा सा इतना मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं लगा स्पेक्टेकुलर तुम्हें पता ही है मुझे ज़्यादातर चीज़ें स्पेक्टेकुलर लगती ही नहीं है पता नहीं कैसा हूँ मैं तो क्योंकि यार अगर तुम जयपुर वगैरह जाते हो जो अपने उधर महल हैं भाई वो कुछ अलग ही शान और शौकत है पता नहीं क्या मतलब पता नहीं यार मुझे तो पर्सनली ऐसे ही फील होता है कि अपनी साइड वाले जो है ना इंडिया वाला सीन वो कुछ अलग ही शान और शौकत है यार वहाँ पे पैलेस में जाके इतना ग्रैंड फील होता है ये भी अच्छा है मतलब ऐसी बात नहीं है नो डिसरिस्पेक्ट बट वो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया भाई आगे देखते हैं क्या पता कोई बड़ा महल दिख जाए भाई ये पता नहीं क्या बना हुआ है वुडन स्ट्रक्चर या तो किंग की ये मस्जिद होगी छोटी सी क्योंकि ऊपर वो लगा हुआ है मतलब जो इस्लामिक साइन होता है ना भाई वो लगा हुआ है तो शायद मॉस्क हो छोटी सी पता नहीं क्या है रेस्टोरेंट सब या ये पता नहीं क्या सुवनियर शॉप बीच में खुली हुई है अरे भाई छोटा सा तालाब भी है यहाँ पे सही है अरे
राजा का तख्त है, ये क्या चीज है, कुर्सी है राजा की। ये तालाब है भाई, धूप में पता नहीं आप लोगों को कितना दिख रहा है क्योंकि धूप इसी डायरेक्शन से आ रही है। इतना कोई खास साफ तो नहीं लग रहा ये, बट चलो ठीक है। ओके भाई, एक और छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है, आई थिंक ये मेन है, मेन हॉल। अभी यहाँ पे आए हैं, ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, ये महल 19वीं सदी का बना हुआ है। अरे भाई ये रूम देखो, काफ़ी ग्रैंड है भाई, यहाँ पे कुछ करते होंगे डिनर पार्टीज वगैरह। तो यहाँ के जो मतलब किंग वगैरह थे उनको अमीर कहा जाता है, अमीर ऑफ बुखारा। तो ये पैलेस अमीर ऑफ बुखारा को बिलोंग करता था, फिर जब चाइनीज सोवियत्स आए उन्होंने भगा भगा दिया उनको। तो सही है, आगे देखते हैं क्या है। अरे भाई वाह, ऊपर सारा ग्लासेस से बनाया हुआ रूफ है भाई, शीशे वीशे लगे हुए हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है, उधर भी। अरे भाई ये तो बहुत ही ग्रैंड है भाई, ओए बहुत खूबसूरत है यार, रूफ बहुत खूबसूरत है। ये देखिए अभी आपको ना अभी दिखाता हूँ, तो ये भाई अमीर ऑफ बुखारा जिसका ये महल था, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये रही भाई अमीर ऑफ बुखारा की फ़ोटो, जिनको सोवियत्स ने भगा दिया था, और अभी इनके बाद आई थिंक ये लास्ट अमीर थे यहाँ के। तो अभी आगे देखते हैं क्या सीन है। Yeah, he looks fat to me. Because it wasn't him here. Okay, bhai. ये आपका दोस्त। Hello. और ये तो normal सा कमरा है, यहाँ पे chandelier लगा हुआ है, कुछ इतना खास नहीं, ये एक typical Uzbek family है। और इधर next hall में जाके देखते हैं क्या scene है भाई। Okay, ये last room है भाई, यहाँ पे कुछ पुराने रखे हुए हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह, जिससे आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या रखते होंगे, ये जापान से लिखा हुआ है, जापान से आमिर वामिर ने ख़रीदा होगा, या तो जापान से, सारे जापानीज़ ही हैं भाई। ये अच्छा, ये एक चाइना से है, ये वाला चाइना से है भाई, जापान वाले तो कहीं ज़्यादा बढ़िया हैं चाइना वाले से, अगर आप लोगों को समझ आ रही हो मेरी बात। तो ये भी चाइना से है भाई, दैट्स इट। यहाँ कुछ प्लेट्स वगैरह पड़ी हैं भाई, और रूफ एज यूजुअल बहुत अच्छी है, आपको रूफ दिखा देते हैं। ये रही भाई रूफ, काफ़ी ब्यूटीफुल है। चलिए अब निकलते हैं वापस, रूफ हो गई अपनी ख़त्म, एंड बस आई थिंक पैलेस में और कुछ नहीं है यार इसके अलावा देखने के लिए, यही था। अभी वापस चलते हैं, हम एक सनसेट वाली जगह पे जाके अभी सोच रहे हैं, काफ़ी बढ़िया जगह है, तो देखते हैं वो कैसी रहता है सीन, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ग्रुप सारा वहीं पे जा रहा है, कुछ लोग पहले से ही वहाँ पे हैं, और हम लोग उनको जाके अभी ज्वाइन करेंगे। तो लेट्स गो।